बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन सीमांचल का सियासी पारा चढ़ चुका है। AIMIM के 5 विधायकों में से 4 विधायक RJD में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद RJD सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के किले को ध्वस्त करने में जुट गई है। RJD ने मजलिस के किले में सेंध लगाकर सीमांचल में मुस्लिम वोटरों को रिझाने का दांव चला है। इसी सिलसिले में RJD ने कटिहार में JDU सहित कई दलों के कार्यकर्ताओं को अपने पाले में कर लिया है। कटिहार में मिर्चाई बाड़ी के सामुदायिक भवन में RJD के कार्यक्रम में युवाओं ने लालटेन का झंडा थाम लिया। वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि RJD के प्रति युवाओं में एक जुनून है और बिहार का युवा तेजस्वी यादव की कार्यशैली से काफी प्रभावित है। कुणाल ने कहा कि बिहार की आम जनता अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को ही देखना चाहती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति युवाओं में एक जुनून है कि राष्ट्रीय जनता दल में हम शामिल हैं और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर लोग देखना चाहते हैं। JDU के दर्जनों कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, महिला प्रकोष्ठ का, युवा का, ये सारे लोग आज दर्जनों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल में अपनी सदस्यता ग्रहण कर लिया आज इन्होंने और हम लोगों ने स्वागत किया है। इसके अलावा बिहार सरकार के 2 जो आरक्षी निरीक्षक जो रिटायर थे सेवानिवृत्त, उन लोगों ने भी आज प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया। तो एक तरफ से पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। सिर्फ कटिहार में नहीं, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में लोग शामिल होने का हुड़ मचा हुआ है। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में हम सदस्य बने। आज जो स्थिति है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो कार्यशैली है, A to Z का जो नारा है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। A to Z का नारा मतलब कि सभी जात धर्म को बराबर सम्मान और बराबर अधिकार की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल रही है। तो ये एक अलग टाइप का जो माहौल बन गया है। आज देखिए, सवर्ण समाज से भी लोग हैं, दलित समाज से भी लोग, महादलित समाज से भी लोग हैं और दूसरे अति पिछड़े समाज से भी लोग हैं, माइनॉरिटी से भी लोग हैं, हर तरह से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। JDU के प्रति लोग समझ गए कि JDU का भविष्य खत्म हो चुका है और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं और बिहार के सही तरीके से नेतृत्व मिलने वाला है, इसलिए सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल में शामिल। ओवैसी की पार्टी मजलिस को तोड़ने के बाद RJD खेमे में उत्साह की लहर है। RJD अब सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोटरों को भी अपने पाले में करने का दांव चल रही है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर आने वाले चुनाव में RJD का साथ देंगे या नहीं। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।